टीवी शो अनुपमा सीरियल्स की दुनिया में टीआरपी में टॉप वन पर अपनी जगह बनाए हुए है, लेकिन इस शो को कई एक्टर एक्ट्रेसेस अचानक छोड़ रहे हैं। इन्हीं अदाकाराओं में से एक मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा भी है। मदालसा शर्मा यानी काव्या ने अचानक सीरियल अनुपमा को टाटा बाय बाय कह दिया। वेल, काव्या ने शो को कर दिया क्विट। अब खबरों की माने तो इसकी वजह रूपाली गांगुली को बताया जा रहा है। हालांकि काव्या यानी मदालसा ने बताया कि ये खुद उनका फैसला था, लेकिन रूपाली से उनके रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं। मदालसा ने एक इंटरव्यू में बताया कि रूपाली ने उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई की है, जिससे उन्हें काफी दुख पहुंचा है। मदालसा बोली, मैंने कई बार ऐसा फील किया कि इंसान जो हमारे सामने है हमारे पीठ पीछे वैसा नहीं है। कई बार मुझे ऐसा लगा मेरे बारे में नेगेटिव बातें कही जा रही हैं। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत दुख पहुंचा। मुझे लगा कि आखिर मैंने आपके साथ क्या बुरा किया है। मेरे मन में आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं, हम दोनों की जिंदगी अलग अलग है। मदालसा ने कहा कि कई इंसिडेंट हुए जहां मुझे ऐसा लगा कि ये तो मत करो मेरे साथ, मैंने कुछ गलत किया होता तो समझ भी आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आ रही हूँ, अपना सेट पर काम कर रही हूँ और जा रही हूँ। पर जब मैंने मेरे खिलाफ बातें सुनी तो मुझे लगा कि अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मेरे मुंह पर बोल दो ना। मदालसा शर्मा ने कहा कि रूपाली ने ऐसा कुछ अपमानजनक नहीं कहा कि मैं ये कह दूं कि मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, लेकिन सेट पर इतने एक्टर्स होते हैं, कई बार कुछ बातें हो जाती हैं। जी हाँ, रूपाली गांगुली का पीठ पीछे बातें करना मदालसा शर्मा को भाया नहीं। मदालसा को अच्छा नहीं लग रहा था सेट का माहौल। वेल, जिन्हें नहीं पता उन्हें याद दिला दें कि मदालसा बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बहू हैं। उन्होंने मिथुन के बेटे मीमो से 2018 में शादी की थी। एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म से की और अब उन्हें बतौर काव्या घर घर में पहचान मिल चुकी है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।